नमस्कार दोस्तों, बोल्सकाई में आपका स्वागत है। छुआरा और खजूर ये दोनों सूखे और सॉफ्ट प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। जहां छुआरे में ज्यादा कैलोरी मौजूद होती है, वहीं खजूर कम कैलोरी वाला होता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो खजूर का सेवन कर सकते हैं, जबकि मांसपेशियों की ताकत या पाचन को सुधारने के लिए आप छुआरे का प्रयोग कर सकते हैं। आखिर छुआरे और खजूर में क्या अंतर होता है और दोनों के क्या फायदे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता देंगे, छुआरा और खजूर अलग अलग होते हैं। खजूर में नमी ज्यादा होती है, जबकि छुआरा कम नमी वाला होता है। यही वजह है कि छुआरे ज्यादा दिन तक चलते हैं। अगर खजूर की बात करें तो खजूर अगर हवा रहित कंटेनर में रखा जाए तो 8 महीने और फ्रिज में रखा जाए तो 1 साल तक खराब नहीं होता। छुआरे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है, वहीं ये फाइबर का अच्छा सोर्स है, जबकि खजूर में विटामिन सी के साथ साथ कैल्शियम, आयरन आदि पाए जाते हैं। बता दें कि छुआरे के अंदर खजूर की तुलना में ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है, ऐसे में ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत मानते हैं। अब जानते हैं दोनों के फायदे। बता दें कि खजूर की तासीर ठंडी होती है, ऐसे में गर्मी के मौसम में इसका कम सेवन किया जाता है। ये न केवल शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि अन्य रोगों से भी मुक्त रखता है। बता दें कि जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है, वो नियमित रूप से खजूर का सेवन कर सकते हैं। इनके अंदर घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं, जो न केवल आंतों के माध्यम से बचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं, बल्कि कब्ज आदि से भी छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा दूध और खजूर का उपयोग काफी पुराने समय से चला रहा है। ये न केवल खांसी जुकाम की परेशानी को दूर करता है, बल्कि अगर एक चुटकी काली मिर्च और इलायची का पाउडर दूध में मिलाया जाए और खजूर के साथ इसका सेवन किया जाए तो ये सर्दी भगाने में भी मददगार होता है। अब जान लेते हैं छुआरों के फायदे। आपको बता दें कि छुआरों को सूखा खजूर भी कहा जाता है, जो सेहत से संबंधित कई समस्याओं को दूर करने में एक नेचुरल उपचार माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन जैसे कि विटामिन ए, के, सी, B2, B6 आदि पाए जाते हैं। ये दिल की समस्याओं को दूर करने के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। हृदय प्रणाली पर छुआरा काफी प्रभावशाली है, क्योंकि छुआरे के अंदर वसा कम मात्रा में पाया जाता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसके अलावा ये शरीर में ऊर्जा को भी बढ़ाता है। बता देंगे, छुआरे के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो ऊर्जा बूस्टर के रूप में भी देखा गया है। ऐसे में तो आप छुआरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मांसपेशियों की ताकत को भी बढ़ाता है। दिल को मजबूत बनाने के साथ साथ इसके सेवन से गर्भवती महिलाओं को गर्भाशय की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। ये बच्चे के जन्म के समय में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा ये बालों के लिए भी फायदेमंद है। छुआरे के अंदर विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है, जो बालों के लिए एक हेल्दी खुराक के रूप में काम करता है। ऐसे में इसका नियमित रूप से सेवन रूखे बालों का झड़ना, दो मुहिये बालों की समस्या आदि को दूर कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि छुआरे आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं, ऐसे में ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें, तो इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।